सेम थिंग. एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कि अब हम ये करेंगे, अब हम इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे. तो ये जरूरी नहीं है कि यूक्लिड्स डिवीजन के साथ ही एल्गोरिदम यूज हुआ है. ये एल्गोरिदम किसी भी तरह से यूज हो सकता है. लाइक ये आपका कुछ भी, लाइक कुछ हमें कुछ भी चीज फाइंड आउट करनी है कि देन व्हाट आर द स्टेप्स, तो स्टेप्स को हम एक एल्गोरिदम नाम दे देंगे. सो एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ओनली, ठीक है? तो वो किसी भी चीज में यूज हो सकता है एल्गोरिदम वर्ड. अब एल्गोरिदम किस चीज का? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम किस लिए यूज होगा? एचसीएफ निकालने में, ठीक है? एचसीएफ के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में. ऑलराइट, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या कहा था? यूक्लिड डिवीजन लेमा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया, उसमें ये था कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है हमारा लाई करता है जीरो और B के बीच में. R कैन बी जीरो, वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है. लेकिन बड़ा किस लिमिट तक हो सकता है? बड़ा उस लिमिट तक हो सकता है. किस लिमिट तक? डिवाइजर तक. डिवाइजर के इक्वल भी नहीं हो सकता, राइट? और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो थी कि अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता, यानी 5 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता. और अगर वो जीरो नहीं आ रहा, जीरो से बड़ा आ रहा है, तो दैट मीन्स जीरो से बड़ा किस हद तक आ सकता है, किस लिमिट तक जा सकता है? 2 से तो छोटा ही रहेगा. 2 जितना नहीं हो सकता, डिवाइजर जितना नहीं पहुंच सकता रिमाइंडर, ठीक है? तो यही वो बोल रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा और डिवाइजर से तो हमेशा छोटा ही रहेगा. एंड दिस इज वॉट डिविडेंड, राइट? एंड जो ये है क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है और ये क्या है? डिवाइजर. और ये मैंने अभी तो एक सेकेंड में बता दिया, बहुत ही शॉर्टकट में. इसकी पूरी डिटेल्स अगर आपको पता करनी है तो पिछली वाली वीडियो देखो. और आई प्रेफर कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को समझने से पहले आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझो कि वो क्या है एक्चुअली, ठीक है? तो अब हम समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी, जो कि आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में. एग्जाम्पल नंबर 1 वो मैं सॉल्व करते करते बताऊंगी कि ये क्या बोलना चाहते हैं. वैसे तो अगर मैं यहाँ से ना भी समझाऊं इन सीरीज ऑफ स्टेप्स से, ये चीजें ना भी पढ़े, तो भी आपको समझ आ जाएगा. बट फिर आप बोलते कि मैम ये स्टेप्स क्यों दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन स्टेप्स ओवर हियर. ये वही वाले स्टेप्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं. क्या बोल रहे हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से सी एंड डी, वेयर सी शुड बी, सी जो है आप ग्रेटर देन डी हो. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो एल्गोरिथम है, ये एचसीएफ निकालने के लिए यूज होता है. जो दो नंबर्स हैं वो सी और डी हैं, ठीक है? और सी आप किसको मानो? दोनों नंबर्स में से सी बड़े वाले को मानना हमेशा, ठीक है? सो यानी ये मेरा सी हो गया और ये मेरा हो गया डी. ऑलराइट, आगे क्या कहते हैं? स्टेप 1 क्या बोलता है? अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड सी एंड डी. फाइंड क्यू एंड आर सच दैट सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जीरो लेस आर इज लाइन बिटवीन जीरो एंड डी. मतलब आर जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है और डी से छोटा होगा. वही सारी चीजें दोबारा दोबारा लिखी हुई है. क्या बोलना चाहते हैं अब आपको समझ आएगा एग्जाम्पल के थ्रू. देखो, सबसे पहले हमने सी किसको माना? बड़े वाले नंबर को. डी किसको माना? छोटे वाले नंबर को. हम दोनों को डिवाइड करते हैं. सबसे पहले 1 2 5 7 6 ये हमने ऐसे रखना है और 4 0 5 2 हमने इस तरह से रखना है, ठीक है? अब हम इसको डिवाइड करते हैं. तो ये हमारा जाएगा 3 से. 3 2 6 3 5 15 एंड 3 4 12. ये देखो इस तरह से 6 में से 6 गए 0, 2, 4 और ये 0. ये आ गया मेरा, ठीक है? तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं सी मेरा क्या है? सी मेरा है ये वाला नंबर, ठीक है? राइट. और डी मेरा क्या है? डी मेरा है ये वाला नंबर. ओके, क्यू क्या है? क्यू है ये. और आर क्या है? आर है ये, ठीक है? तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर तो R मेरा जीरो आ गया, अगर मान लो यहां पर R 420 ना आके जीरो आ जाता,
तो हमारा डी ही एचसीएफ होता, तो हमारा आंसर वही आ जाता, ये जो होता यही एचसीएफ कहलाता। और अगर आर जीरो नहीं है तो दोबारा से लेमा लगाओ, तो ये प्रोसीजर चलता चला जाएगा, बार बार डिवीजन चलता चला जाएगा। अब बार बार डिवीजन चलता चला जाएगा क्या मतलब है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, अब अभी जब मैं करना शुरू करूंगी क्वेश्चन तब समझ आएगा। अभी तो आर जीरो तो नहीं आया ना, यानी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई कि डी एच सी एफ हो जाएगा, तो दैट मीन्स अभी हमारा आंसर नहीं आया, राइट। अभी आप वही चीज लगाओ, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। सी क्या है 1 2 5 7 6, डी क्या है 4052 इंटू क्यू क्या है मेरा 3, आर क्या है 420, दैट्स इट। इस डिविजन का काम हो गया खत्म। चलो अब आर जीरो नहीं आया था तो अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, और अब क्या करेंगे, हम अब अप्लाई करेंगे लेमा। किस पर अप्लाई करेंगे, डी और आर पे। पहले हमने लेमा किस पे अप्लाई किया, पहले हमने अप्लाई किया सी और डी पर। सी और डी यानी इन दोनों को डिवाइड किया, लेमा अप्लाई करने का मतलब उन दोनों को डिवाइड करना और क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालना। हमने सी और डी पे लेमा अप्लाई किया यानी हमने डिवाइड किया उन दोनों को, और हमने क्यू और आर निकाला, ठीक है। ये मेरा क्यू है और ये मेरा आर है, मेरा आर जीरो नहीं आया, इसका मतलब कीप ऑन डिवाइडिंग। नाउ अप्लाई, कीप ऑन अप्लाइंग लेमा, अप्लाई लेमा, लेकिन अब किस पर अप्लाई करें, किस पर, डी एंड आर पर। डी कौन सा है मेरा, डी मेरा है ये और आर मेरा है ये, तो अब फिर से लेमा अप्लाई करो और अब 420 को यहां पर रखो और 4052 को यहां पर रखो। अभी समझ आई बात, अब ये हमारा जाएगा किससे, ये आप अपने आप चेकअप कर सकते हो, डिवीजन तो सबको ही आता है। अगर मैं 8 से करती हूँ इसको तो 8 0 0, 8 2 16, 8 4 32 33, और अगर मैं 9 से करती हूँ तो 9 0 0, 9 2 18, 9 4 36 और 137, तो 9 से जाएगा, 9 0 0, 9 2 18, 9 4 36 और 37, ठीक है। अगर 2 15 में से 8 गए 7 और 9 में से 7 गए 2, तो ये मेरा 272 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब मेरा जो C है अब वो ये है, राइट, D मेरा ये है, R मेरा ये है और Q मेरा ये है, ठीक है। अब फिर से इसी फॉर्म में लिखते हैं, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। C है अब 4052 यहां पर आएगा, ठीक है। डी क्यू प्लस आर, डी मेरा है 420, क्यू मेरा है 9 और रिमाइंडर मेरा है 272। आई बात समझ में, फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं आया, देन अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एंड नाउ मेरा जो डी है वो 420 है और जो मेरा आर है वो 272 है। तो अब जो मैं अप्लाई करूंगी वो कैसे करूंगी, 272 यहां पर और 420 मेरा आएगा यहां पर। आगे बात समझ में, तो 272 वन्स आर 272, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए 4 एंड 3 में से 2 गए 1, ठीक है। फिर से अब मेरा ये C हो गया, ये D हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, राइट। फिर से यही अप्लाई करो, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। फिर से C की जगह हम क्या रखेंगे, 420, ठीक है। D की जगह मैं क्या रखूंगी, 272। Q की जगह मैं क्या रखूंगी, 1, और R की जगह मैं क्या रखूंगी, 148, ओके। अभी क्या मेरा रिमाइंडर जीरो आ गया, नहीं आया, अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अब फिर से अगर जब मैं अप्लाई करती हूं तो अब मैंने फिर से किस पे अप्लाई करना है, डी और आर पे। डी मेरा क्या है 272, रिमाइंडर मेरा क्या है 148, तो 148 आएगा बाहर और 272 आएगा मेरा अंदर, ठीक है बच्चों। अब फिर से 148 वन्स आर 148, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 1 गए 1, 124। ये क्या आया मेरा, C, D, Q और R, ठीक है बच्चों। अब C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर के फॉर्म में यहां पर लिख दो। C क्या है 272, D क्या है 148 इंटू Q क्या है 1 और रिमाइंडर क्या है 124। रिमाइंडर जीरो आ गया, नहीं आया।
फिर से अप्लाई करो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये इतना अजीब सा मेथड बता रही है, हमारा अपना पुराना वाला मेथड एचसीएफ वाला सही था बेटा, क्योंकि एचसीएफ वाले जो नंबर्स होते थे वो भी तो बहुत छोटे होते थे ना, यहाँ पर देखो कितने बड़े नंबर्स हैं, है ना। और वैसे भी जब आप इस क्लास में जब आपको एचसीएफ निकालना आएगा तो कई बार ऊपर मेंशन किया हुआ होगा अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो चलो अभी हम फिर से डी और आर पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं और 124 साइड में रखकर 148 बीच में रखें, ठीक है। 124 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, आगे बात समझ। चलो अब हम यहां पर लिखते हैं, अब हमारा D ये है, Q ये है, C ये है और R ये है। C is equal to DQ plus R, C क्या है 148, D क्या है 124, Q क्या है 1 और R क्या है 24, ठीक है बच्चों। हाँ आप क्या करें, आप फिर से लगाते हैं, आर तो जीरो है नहीं, किस पे लगाना है डी और आर पे, 24 रखते हैं साइड में और 124 रखते हैं बीच में, ये किससे जाएगा, आई थिंक 5 4 20 ये जाएगा 5 से, तो 5 से आ जाएगा तो एलसी ये जो रिमेंडर आएगा वो मेरा क्या आएगा 4, ठीक है। अब सी ए क्यू ए आर ए डी ए, ऑलराइट, तो अब हम क्या लिखेंगे 124 C is equal to D यानि 24 into Q यानि 5 plus remainder क्या है 4, आगे समझ। remainder 0 आ गया नहीं आया, फिर से लगाएंगे, किस पे लगाएंगे D और R पे, यानि ये और ये, अब साइड में क्या आएगा 4, ठीक है, और बीच में क्या आएगा 24, अब जब डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, फाइनली मेरा रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो अब इससे आगे मुझे नहीं करना, ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगी, ये C, ये D, ये Q और ये R, ठीक है। तो C इज इक्वल टू यानी 24 इज इक्वल टू D यानी 4 इंटू क्यू यानी 6 प्लस रिमाइंडर यानी 0, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, ये सोचने वाली बात है ना। तो बच्चों जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, जब हम उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो उस स्टेज पर आकर, उस स्टेप पर आकर जो डिवाइजर होता है यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, किससे डिवाइड कर रहे थे कि रिमाइंडर 0 आया, 4 से डिवाइड करा हमने, उस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आया ना, तो उस स्टेज पर जो डिवाइजर होता है यानी जो 4 है, दैट विल बी माय आंसर, दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, ऑलराइट। सो माय आंसर इज 4। यहां पर आके बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, पूरा का पूरा प्रोसीजर से कर देते हैं, एंड में आके कोई बच्चा आंसर लिख रहा है 6, कोई बच्चा आंसर लिख रहा है 24, नो, द डिवाइजर एट दैट स्टेज व्हेन द रिमाइंडर कम्स 0 इज नोन टू बी द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स, राइट, ठीक है। तो चलो दिस वाज द मेथड टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ओके, सिंपल है, एक बार समझ आ गया, सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे काम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, ऑलराइट, बाय।